हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए, हमने शुरू किया था लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन वीडियो, है ना। इससे पहले हमने फुल रिवीजन वीडियो कर ली थी। अब हमने शुरू क्या किया है, अपनी MCQs की सीरीज, है ना। तो देखो, जो अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखी है फुल रिवीजन की, जिसमें हमने ICD भी करवाया, ठीक है, रिसर्च भी किया, उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग हमने किया, टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो डाली है, हायर एजुकेशन की वीडियो डाली है, ठीक है। तो अब सिर्फ मुझे लगता है कि आपके सिर्फ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की जो है वीडियो रह गई है। उसके अलावा हमने पूरे पूरे पेपर वन की वीडियो डाल दी है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और जो आपकी DI है, ये हम इंडिविजुअल करेंगे, ठीक है। तो वो सभी वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समराइज्ड वे में आपको करवाया हुआ है। आपको बहुत, मैं मतलब कह रहा हूँ कि आपको सही में पसंद आएगा वो, ठीक है। और उसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी नेम से है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है, जो लोगो है, वो इस तरह का है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और YouTube का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके साथ जो बेल आइकन है ना, उसको दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि जो भी कोई वीडियो है तो आपको सारे की सारी नोटिफिकेशन मिल पाएगी, और आप साथ साथ वीडियो देख के अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने फुल रिवीजन वीडियो करी थी, अब आपको वो, मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लगेगी, आप देखना ज़रूर, ठीक है। आप अगर आपने अभी तक नहीं भी किया ना, तो अभी आप दो बार देखो सिर्फ, मतलब एक बार तो पहले पूरी वीडियो, उसके बाद जो आप, मैंने PDF दी है उसके प्रिंटआउट निकलवा के उसको पढ़ के उसके साथ साथ एक बार और देख लो। मैं कह रहा हूँ उसके बाद देखने की आपकी नीड ही नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ने की नीड ही नहीं, और उसके बाद जो बची कुची कसर है वो MCQs करके तो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो मतलब बच्चे डरते हैं इस सब्जेक्ट से, उनको समझ में नहीं आता, उनके टॉपिक इतने कन्फ्यूजन रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो प्रॉब्लम आती है उन्हें, ठीक है। तो आप ये करिए अच्छे से, मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है, ये पूरा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे तरीके समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, बिना किसी तरह के अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो PDF अगर आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट, रमन ईट्स आइदर ड्यूरिंग डे और नाइट, या तो वो दिन में खाता है या वो रात में खाता है, भूखड़ है, ठीक है, भूखड़ है। रमन डज नॉट ईट ड्यूरिंग डे, ठीक है, कम भूखड़ है, मतलब दिन में नहीं खाता लेकिन रात में खाता है, ठीक है। देयरफॉर रमन ईट्स ड्यूरिंग नाइट, आइदर की बात कर रहे हैं ना, आइदर की। तो क्या कहते हैं, द अबव स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फ्रेंस, तो किस तरह की इन्फ्रेंस का जो है ये एग्जांपल बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, जब हम आइदर की बात करते हैं, या जब हमें किसी ना की ना होने की वजह से आइदर और, जब आइदर और की बात हो रही है और उसकी वजह से कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है हमें, तो उसे हम कहते हैं अर्थपति। क्या कहते हैं, अर्थपति, इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। तो आपने अगर अर्थपति है, या जो आपने प्रमाणा कि हमने 6 के 6 सोर्स पढ़े थे, वैलिड सोर्स और इनवैलिड सोर्स दोनों, वो अगर डिटेल में करनी है तो आप जाके जरूर देखो, मैं कहूँगा आपको डिटेल में ही करो, आप जरूर जाके देखो, वो 3.5 घंटे में मैंने पूरा लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग दोनों मिक्सअप करके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। आप PDF भी पढ़ोगे ना एक बार, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो यूं ही समझ में आ जाएगी बिना वीडियो देखे ही, लेकिन वीडियो देखोगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जो आप ईजी तरीके से आप याद कर सकोगे, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन इज आइदर इन हिज हाउस और एल्सवेयर, फिर से आइदर की बात कर रहा है, अब आइदर आ गया लेकिन हमने पढ़ना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, है ना। तो या तो वो घर में है या कहीं और है, रॉबिन इज नॉट इन हिज हाउस, इसका मतलब कहीं और है वो, देयरफॉर रॉबिन अलाइव रॉबिन इज एल्सवेयर, है ना, कहीं और है वो। द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रमाणा, तो वो किस तरह का प्रमाणा है, प्रमाणा कि हमने 6 सोर्स पढ़े थे, जिसमें से हमारे पास 4 सोर्स तो थे वैलिड के और 2 सोर्स थे इनवैलिड के, तो 2 जिसमें से इनवैलिड थे वो कौन कौन से थे, आपका था एक तो अनुपलब्धि और एक दूसरा क्या था आपका, अर्थपति, ठीक है। तो आइदर अनुपलब्धि तो क्या बात करता है, जब आप कहते हो नहीं की वजह से कोई चीज़ निकल के आ रही है, जैसे कि क्लास में टीचर नहीं है इसलिए शोर हो रहा है, या आपको पता लगा कि क्लास इधर शोर हो रहा है और इसलिए इसका मतलब क्लास में टीचर नहीं है, है ना। तो नहीं की वजह से जो आपके पास कुछ नॉलेज निकल के आते हैं, जो आप नॉलेज गेन करते हो, वो क्या है, वो अनुपलब्धि। लेकिन जब आप बात करते हैं आइदर और की, तो वहां हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन या अर्थपति, है ना। तो अभी अपने अर्थपति देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही आंसर था और सेकंड में भी यही है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इंडियन
फिलोसफी आर एंटीथेटिकल ऑफ दी टू दी वेदास। ठीक है, तो आपने इसमें से बताना है कि कौन कौन से इनमें से पॉइंट्स हैं जो मतलब इंडियन फिलोसफी में उसके उसके बात करते हैं। ठीक है, मतलब जो उसके अगेंस्ट में, मतलब एंटीथेटिकल जो है वो बात करता है अगेंस्ट की, मतलब जो इंडियन फिलोसफी जो वेदास हैं आपके, मैंने आपको बताया था वेदास में कौन कौन से डिपेंड था, वो स्कूल जो डिवाइडेड थे ऑर्थोडॉक्स थे और हेट्रोडॉक्स थे। तो हमने वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स में बात करी थी अपने वो न्यायशास्त्र वैशेषिका वगैरह वगैरह, ठीक है, पूर्ण मीमांसा उत्तर मीमांसा सांख्या है ना, योगा तो हमने ये बात करी थी इसमें, किसमें, ऑर्थोडॉक्स में। अब हेट्रोडॉक्स की बात आती है तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, जैनिज्म की, बुद्धिज्म की, मेटरलिज्म की, ठीक है, तो वो चीज़। तो यहाँ पे अगेंस्ट में बात किसे करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अपने जिस तरह हेट्रोडॉक्स की बात करी तो हेट्रोडॉक्स में ये तीनों आएंगे, बुद्धिज्म भी आएगा, जैनिज्म भी आएगा और चक्रवास भी होगा। बोल तो ये चक्रवास जो होते हैं वो आते हैं आपके किसमें, मेटरलिज्म में। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, सी डी एंड ई। बोल तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन एंड वुमेन मे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज बट नाइदर कैन बी कंसिडर्ड इन्फीरियर और सुपीरियर टू दी अदर। तो ऐसा नहीं करते वो, मतलब वो किसी अपने आप को मतलब सुपीरियर नहीं मानते, इन्फीरियर सुपीरियर नहीं मानते, ठीक है, किसी और से। एनी मोर देन ए बर्ड्स विंग्स कैन बी कंसिडर सुपीरियर और इन्फीरियर टू ए फिश फिन। मतलब अब देखो, अब यहाँ पे आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीज लिंक हो रही है, किसी ना किसी से एक दूसरे से लिंक करके बताया जा रहा है कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। जैसे अपन ने पढ़ा था किसमें, वो गवाया वाला है ना, नील गाय वाला जो एग्जांपल ले देगा, एग्जांपल वही है इनके पास, एंटी वालों के पास। ठीक है, तो वो बात करते हैं कि हाँ भाई आप अगर वो गाय वाली जो बात थी भी, नील गाय किसके जैसे दिखते, तो गाय और हमने बात करी थी किसके जैसी, घोड़े जैसी है ना, तो वो उनका मिश्रण था। तो हम क्या कहते हैं, इसके जैसा, लाइक डैट। तो वहां पे हम बात करते हैं एनालॉजी की। ठीक है, तो एनालॉजिकल जो है यहाँ पे बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट कौन सा है यहाँ पे, एनालॉजिकल। ठीक है, चलिए, तो जब हम सिमिलर की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वो एग्जांपल लेके 2 और 4, फिर 4 और 8, तो 2 2 4 4 4 4 2 8 है ना, तो इस तरह से हमने बात करी थी। ठीक है, तो एनालॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो। तो कहते हैं नो मैन इज परफेक्ट, सम मैन आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या कह रहे हैं, नो मैन इज परफेक्ट। अब देखो, मैं यहाँ मैन बना लूँ, नो मैन इज परफेक्ट, तो मैं परफेक्ट बना लूंगा। ठीक है, अब नो मैन इज परफेक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, है ना। फिर कहते हैं सम मैन आर नॉट परफेक्ट, जब हमने यहाँ बात ही कर दी, सम नॉट की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक जगह तो ये ऐसा कह रहा है कि हाँ भी परफेक्ट है, यहाँ पे एक जगह कह रहा है नॉट परफेक्ट है, मतलब कुछ अभी मतलब हमारे पास क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखो, स्टेटमेंट तो हम दोनों सही कह सकते हैं कि आपके पास दोनों के दोनों जो असर्शन, दोनों रीजनिंग है वो सही है, कि कोई भी मैन परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ मैन जो है वो परफेक्ट नहीं है, है ना, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी है। ठीक है, तो दोनों की दोनों चीज़ें सही तो कह रही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर डज नॉट प्रोवाइड सफिशियंट रीजन फॉर ए। वो सफिशियंट रीजन नहीं दे रहा है ना, कुछ और भी यहाँ पे कहता तो शायद इस क्वेश्चन का और क्लियरिटी से आंसर निकल पाता हमारे पास। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या है, ए। बोल तो फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर डज नॉट प्रोवाइड सफिशियंट रीजन फॉर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेफिनेशन डेट हैज ए मीनिंग डेट इज डेलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल इज कॉल्ड। जब आप सिंबल की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो देखो, जब हमने बात करी सिंबल की, तो हम स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इसे कहते हैं, है ना। स्टिपुलेटिव मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आप जाके देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू सीक न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, आप जानना चाहते हैं, न्यू नॉलेज लेना चाहते हैं, है ना, वी मस्ट रिलाई ऑन रीजन ऑफ द टाइप। अब किस तरह का आपको रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा, या किस तरह की आप जो यहाँ पे चीज लगाएंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बात कर रहा है क्या, न्यू नॉलेज गेन करने की, है ना। अब न्यू नॉलेज कैसे गेन होती है, जब आप कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे जर्नलाइज कर देते हैं। इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ नई नॉलेज गेन करी है, या फैक्ट कोई गेन किया है। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, इंडक्टिव की। इंडक्टिव में आप यही तो करते हो कि आप अब कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते हो, इन सभी का रिजल्ट अगर सिमिलर आता है तो आप इसे पूरे वर्ल्ड में जर्नलाइज कर देते हो, ऐसा ही होता है, तो इसे आप कहते हैं इंडक्टिव। ठीक है, चलिए आंसर क्या है, ए।
क्वेश्चन एट्थ, इफ टू प्रपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट, कहता है सेम सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट, सेम सब्जेक्ट है सेम प्रेडिकेट है, बोल तो एक प्रीमाइस है दूसरा प्रीमाइस है, सेम सब्जेक्ट है सेम प्रेडिकेट है, टर्म्स कैन बोथ बी ट्रू, दोनों ट्रू हैं, बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। देखो अब यहाँ पे आपको मिल गया कैन नॉट, कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों ट्रू हो सकते हैं मगर दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। कुछ कुछ याद है, मैंने किराए के घर वाला एग्जांपल दिया था आपको कि आप मकान मालिक हैं और आपके घर के ऊपर कोई किराएदार रह रहा है, तो आप सच्चे होंगे क्योंकि आप तो दूध के धुले हैं, है ना, तो आप तो हमेशा सच्चे होंगे, आपका किराएदार झूठा हो सकता है। वो जो ऊपर दोनों आपके किराएदार रह रहे हैं वो दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन लेकिन आप क्या हैं, आप दो दूध के धुले हैं, आप दोनों, आप जो मियाँ बीवी दोनों हैं, आप जो पूरी फैमिली रह रही है, आप दूध के धुले हैं, आप पूरे सच्चे हैं, है ना, तो आप दोनों इकट्ठे फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब आंसर क्या होगा, अब नीचे वाले दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन नीचे वाले दोनों के दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। याद आया, सब कंट्रेरी है ना, हमने सॉरी हमने बात करी थी यहाँ पे, जिसरा याद था ए ई आई और ओ, है ना, तो हमने क्या बात करी कि जब इनके बीच में बात करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे सब कॉन्ट्रेरी, तो ये तो जो नीचे वाले हैं ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं मगर फॉल्स नहीं हो सकते, और सेम ऐसे ही ये दोनों फॉल्स तो हो सकते हैं मगर ट्रू नहीं हो सकते, है ना, क्लियर है, तो आंसर क्या है इसका, सब कॉन्ट्रेरी। चलिए नेक्स्ट, वेन डायग्राम इज काइंड ऑफ डायग्राम टू, अब किस तरह का वेन डायग्राम होता क्या है, मैंने आपको बताया था वहां पे, ठीक है, जब हमने सिलोगिज्म किया अच्छे से, तो वो वेन डायग्राम क्या चीज करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो पहले क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट एंड एक्सेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस ऑफ सिलोजिस्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिप्रेजेंट बट नॉट एसेस, ना बिल्कुल गलत, यहां पे तो वैसे ही गलत हो गया, नॉट एसेस द वैलिडिटी, नहीं वैलिडिटी तो वैसे भी शो करता है वो, प्रेजेंट एंड एसेस द ट्रूथ ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस ऑफ सिलो, नहीं ट्रूथ नहीं, वैलिडिटी की ही बात करता है, एसेस बट नॉट रिप्रेजेंट, फिर से वही बात, बट नॉट रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस, नहीं, तो आपके तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है और आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है और वैलिडिटी को एक्सेस करता है, एसेस करता है कि हाँ भाई इस पूरे स्टेटमेंट में इतनी परसेंट या ये चीज की वैलिडिटी है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बोले तो अनुमाना इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन, अब जो अनुमान है वो इंडियन लॉजिक से कैसे रिलेटेड है या उसका उसके रूटेड इन क्या है, ठीक है, तो उसकी बात चल रही है। तो क्या कहता है, इन वेरिएबल जो कमिटेंस होती है बिटवीन, किसमें, अब इन्फ्रेंस निकलता है किसमें, मिडिल टर्म में और मेजर टर्म में, है ना, मिडिल टर्म में और मेजर टर्म में, और तभी तो हम वहां पे बात करते हैं किसकी, एक वर्ड आया था, क्या ध्यान आया कुछ, व्याप्ति, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म में जब हम रिलेशन मेंटेन करते हैं तो वो क्या होता है, व्याप्ति, और अगर इन दोनों में रिलेशन मेंटेन नहीं होता तो वहां पे प्रेजेंट होता है क्या, फैलेसी, और उस फैलेसी को हम क्या कहते हैं, हेत्वाभास, ध्यान आया, हेत्वाभास। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रपोजिशन ऑल मैन आर नॉट पेंसिल, क्या कहते हैं, ऑल मैन आर नॉट पेंसिल, मतलब वो पेंसिल नहीं है, ठीक है, इज टेकन टू बी ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स, तो आपको इस तरह के वेन डायग्राम बनाने की नीड नहीं है लेकिन फिर भी चलो हमने बना लिया, हमको पता लग गया कि हम ये चीज है स्टेटमेंट में। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑल पेन आर नॉट पेंसिल इज टेकन टू बी ट्रू, मतलब कि उस चीज को तो आप ट्रू मान रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स, तो अब आप इनमें से जो आपके पास चार ऑप्शंस है इनमें से आप किस किस प्रोपोजिशन को फॉल्स मानोगे। ठीक है, तो इसमें भी वही बात करेगा, कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी वाली। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या कहते हैं, ऑल मैन आर नॉट पेंसिल, नॉट मतलब यहां की बात कर रहे हैं, किसकी, ओ की बात कर रहे हैं, सम नॉट की बात कर रहे हैं, है ना, ऑल नॉट या सम नॉट की, नॉट की बात कर रहे हैं, है ना। फिर कहते हैं अब इसमें से हमने देखना पड़ेगा कौन सा फॉल्स है, अगर ये ट्रू है, हमने बात करी थी ना, देखो ए ई आई और ओ, है ना, तो अगर हमने इसे कंट्राडिक्टरी में क्या होता है, अगर हमने इसे ट्रू मान लिया तो इसका मतलब ऑब्वियस है ये चीज फॉल्स होगी, है ना,
एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, दूसरा फॉल्स तो पहला ट्रू, ऐसे ही होता है। तो ऑल पेन आर पेंसिल बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है। सम पेंसिल आर पेन, नहीं हम सम को लेके ही नहीं चलेंगे, है ना। अगर आपने इसे लिया, वो क्या कहते हैं, फॉल्स किसे मानोगे, तो सम तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, सम का तो यहाँ रिलेशन है, हमने रिलेशन तो इनका मेंटेन करना है। नो पेंसिल इज पेन, फिर इसका रिलेशन आ गया, हमने फिर नहीं लेके चलना है इसका भी, ठीक है। सम पेंस आर पेंसिल, फिर सम का आ गया, तो ले दे के बचा क्या, ऑल पेन आर, ऑल पेंस आर पेंसिल, मतलब कि आपने कंट्राडिक्टरी में तो ए को और ओ को रिलेशन मेंटेन करना है, इन दोनों का रिलेशन मेंटेन करना है। तो अगर आपने ओ को ट्रू मानना है तो ऑब्वियस है कि आपका जो ए है बोल तो ऑल है वो क्या होगा, फॉल्स। तो आंसर क्या है इसका, ओनली फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रीसपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग, प्रीसपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या कहती है, जब आप बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की, इंडक्टिव में आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर इन सभी का रिजल्ट अगर सेम आता है तो आप इसे क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। अब जब सेम आया, मैंने बात करी सेम आया तो आप जनरलाइज करेंगे, अभी सेम आने को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मिटी कहेंगे, यूनिफॉर्मिटी इन नेचर होगा, ऐसा ही होगा। यूनिफॉर्म जब रिजल्ट निकले आपका, सिमिलर रिजल्ट निकले, तो आप क्या है उस चीज को क्या कहेंगे, आप इंडक्टिव रीजनिंग, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो साथ चेक करना, एक्सप्लेनेशन सुनो, उसको समझो, कुछ नहीं समझ में आ रहा कमेंट करके पूछो, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। देखो अभी किसी बच्चे ने पूछा था तो मैं उसको भी एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके समझाने वाला हूँ लास्ट में जाके, ठीक है। तो उसके कुछ कमेंट्स थे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, अभी वो शायद किसी और के भी डाउट हो, ठीक है। तो बताना मुझे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ और कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, कहता प्रीमाइस ऑल रिलीजियस पर्संस आर इमोशनल, राम इज अ रिलीजियस पर्सन। अब अपन इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छे वाला, ठीक है। कहता ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल, ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा लेकिन फिर भी बन जाएगा, ठीक है। राम इज ए रिलीजियस पर्सन, तो राम इसके बीच में आ जाएगा, राम इसके बीच में आ जाएगा, ये हो गया रिलीजियस और ये हो गया राम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल, तो ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल और राम इज अ रिलीजियस पर्सन, तो राम रिलीजियस के बीच में राम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो राम इज इमोशनल, अब कंक्लूजन हमने देखने हैं कि क्या सही है क्या गलत है, है ना। तो कहते हैं राम इज इमोशनल बिल्कुल है, अगर रिलीजियस है तो ऑब्वियसली इमोशनल भी होगा, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट कंक्लूजन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल इमोशनल पर्सन आर रिलीजियस, जो आपके इमोशनल पर्सन है वो रिलीजियस, ऑल नहीं। जब आप ऐसे बनाते हो, देखो सम होगा यहाँ पे, अगर सम होता तो आप बिल्कुल इसे सही करते, लेकिन बात यहाँ पे, तो यहाँ पे अब ये किसको वैलिडेट, क्या नाम, इसको वॉइड किसको कर रहा है, इस स्टेटमेंट को जो आपका फर्स्ट प्रीमाइस है, इसको ये इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो कह रहा है ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल, यहाँ कह रहा है ऑल इमोशनल पर्सन आर रिलीजियस, तो ये उल्टा बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। तो आपका स्टेटमेंट जो सेकंड है, आपकी जो कंक्लूजन सेकंड है, वो सही नहीं है, ठीक है। राम इज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, ठीक है। तो राम इज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, ये सही है, ये सही है, ठीक है। राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस, सॉरी, राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस, अब तो नॉट से नॉन कट गया, ठीक है। तो राम इज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, अब नॉट कट गया तो राम इज क्या बन गया, राम इज ए रिलीजियस पर्सन, तो बिल्कुल है राम अंदर है रिलीजियस के, तो बिल्कुल सही है। नॉट से नॉन, अभी देखो नॉन नॉट, ये दोनों वर्ड आपको देखने पड़ेंगे थोड़े से ध्यान से, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से सही हो पाएगा। फिर कहते हैं सम रिलीजियस पर्सन आर नॉट इमोशनल, अब कह रहे हैं सम, अब यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये सही होता, लेकिन क्या कहता है, सम रिलीजियस पर्सन आर नॉट इमोशनल, नॉट है भाई, हैं रिलीजियस हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नॉट है, गलत है, तो आप गलत बात कह रहे हो, तो आप गलत हो, सही है, ठीक है। तो आपका जो कंफ्यूजन है वो ए एंड सी इज अ राइट आंसर, तो ए एंड सी बोल दो, थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म। देखो क्या क्या रहा है यहाँ पे, कहता ए सी ई फिर एफ एच जे के एम ओ। अब ये जो क्वेश्चन है ये करने के थोड़ी सी एक ना नॉर्मल ट्रिक है, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या, इजोटी, ई जे ओ टी और वाई, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5, फिर ये है 10 पे, फिर है ये 15 पे, फिर है ये 20 पे, और ये है फिर 25 पे, ठीक है। तो आपको ना ये पूरे अल्फाबेट इसके आसपास तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इजोटी याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे, कहता ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इजी है। कहता ए सी ई, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक एक वर्ड जो है मिसिंग है, तो ए बी आना था, फिर सी, फिर डी आना था,
ऐसा ही है ई, फिर एफ जी आना था, एच आई, फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। तो इसका मतलब पी आर टी आएगा, पी आर टी अपने पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, इन ए प्रोपोजिशन विच इज ए पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब पहली बात, पर्टिकुलर अफर्मेटिव कौन से होते हैं, ये कंट्राडिक्टरी बन गया, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, तो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नीचे वाले होते हैं, अफर्मेटिव ये वाला, इसका मतलब सम, सम की बात कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव, किसकी बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, है ना। तो कहता है इन ए प्रोपोजिशन विच इज ए पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट द प्रेडिकेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी सम की, तो सम में तो भाई कुछ भी ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो बात क्या करते हैं, नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है, नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ना तो आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ना ही आपका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन नेम एंड द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय दैट नेम इज कॉल्ड। तो जब आप किसकी बात कर रहे हो, बिटवीन नेम एंड ऑब्जेक्ट की, ठीक है, नेम और ऑब्जेक्ट की जब आप बात करें तो उसके बीच के रिलेशन को आप क्या कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। तो उस चीज को आप क्या कहते हैं, कंपैरिजन करना। जब आप किसकी बात करो, रिलेशन किसमें, नेम में और ऑब्जेक्ट में, मतलब कंपैरिजन करते हो कि ये इसके जैसा है ना, कंपैरिजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ऑफ कैटेगरिकल सिलोगिज्म, हमने बात करी थी कितने, तीन तरह के सिलोगिज्म थे अपने पास, है ना, हाइपोथेटिकल भी था, ठीक है, कैटेगरिकल था, नॉन कैटेगरिकल था, हमने बात करी थी। तो कहता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोपोजिशन डिटरमाइन, तो आप जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है उस प्रोपोजिशन की क्या क्या डिटरमाइन करते हैं उस चीज से, ठीक है। तो आप मूड, जो सिलोगिज्म का मूड होता है उसे डिटरमाइन करते हैं, किससे, क्वांटिटी और क्वालिटी से मूड को डिटरमाइन किया जाता है। जैसे क्वालिटी क्या है, मतलब ऑल, पहला प्रोपोजिशन ऑल से है, दूसरा प्रोपोजिशन ऑल से है, और तीसरा जो आपका कंक्लूजन है वो भी ऑल से होगा, है ना। तो ये क्या है, ए ए और ए, ठीक है। अब बात क्या कर रहे हैं, ऑल मतलब सब की बात कर रहे हैं और ऑल मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो क्वांटिटी बात कर रहे हैं ऑल की, मतलब ऑल बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, और पॉजिटिविटी बात कर रही है किस चीज़ की, क्वालिटी की। तो ये क्या है, ये मूड, मूड डिसाइड कर रहा है इस चीज का, है ना। तो ए ए ए जो है आपका मूड बन जाएगा इसमें, ठीक है। और फिगर क्या है, फिगर तो हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो अपनी 256 तरीके की थी, फिर अपन 64 तरीके की पढ़ी, और फिर कंडीशनली और अनकंडीशनली भी पढ़ी थी, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन अभी आप करेंगे, ठीक है। चलो तो आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा इज एक्सेप्टेड इन वैश्विका फिलोसफी, ठीक है। देखो अब एक एक क्वेश्चन था यहाँ पे, डाउट था किसी बच्चे का, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के तीनों के जो अपनी चारों सीरीज हैं उसमें डिस्कस किए हैं, किसी में वैश्विका की बात की है, किसी में किसी की बात करी है, ठीक है। तो ये जिस बच्चे की प्रॉब्लम थी वो प्लीज़ मुझे बताना, समझ में आया या नहीं, उसने पूरी लिस्ट मांगी थी, ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। और देख लेना अपने आप, लिख लेना कि किस में कौन कौन से स्कूल्स वाले आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बता दो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक लिस्ट पूरी प्रोवाइड करानी है कि जो प्रमाणज हैं वो अलग अलग, जैसे आपने बात करी थी ना हेट्रोडॉक्स, है ना, तो उसमें सॉरी ऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स में बटा हुआ था। अब हेट्रोडॉक्स जो थे वो वेदास को तो मानते नहीं थे, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो वेदास को मानते हैं, ऐसा ही था। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स में अलग अलग थे, जन न्याय था, वैश्विका था, सांख्या था, पूर्ण मीमांसा, ठीक है, तो ये उत्तर मीमांसा, योगा, तो ये जो अलग अलग हैं इनमें से कितनों ने कौन कौन से प्रमाण को जो है वो एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ वैश्विका फिलोसफी की बात चल रही है, तो वैश्विका फिलोसफी में कौन कौन से प्रमाण को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो देखो वैश्विका फिलोसफी में प्रत्यक्ष और अनुमान, ये जो दो थे ना, इन दोनों को ही एक्सेप्ट किया गया था, बाकी तीनों को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, ए एंड बी ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असिद्धा इज ए फैलेसी। अब असिद्धा फैलेसी थी, मिडिल टर्म की फैलेसी थी, ध्यान आया, वेन द मिडिल टर्म इज, असिद्धा एक फैलेसी है किसकी, मिडिल टर्म की, तो मिडिल टर्म इज, तो आप इसे किस कहते हैं, अब मतलब क्या कहते हैं, किस चीज की फैलेसी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी बात करता था किसकी, अनप्रूव्ड मिडिल टर्म की, असिद्ध करना, मिडिल टर्म अनप्रूव्ड है तो उसे हम कहते हैं असिद्धा, असिद्ध, है ना, अनप्रूव्ड मिडिल टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोगिज्म इन न्याय फिलोसफी। तो सिलोगिज्म आपने, अब देखो वही सीक्वेंस में आ गया, मैंने आपको कहा था ये सीक्वेंस अपने को याद करनी ही पड़ेगी, है ना। तो मैंने आपको प्रॉपर एक तरीके से वो हिल वाला एग्जांपल जो इनके पास ले दे के वही एग्जांपल है, ठीक है, सभी वही पढ़ाते हैं। और देखो ऑब्वियस है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आना है, वही एग्जाम्पल उठ के आना है, तो वो ही मैंने भी करवाया, ठीक है। तो कहता क्या है, पहला क्या है आपका प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा था ना वो, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, तो वो था पहले आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हम हेतु, हेतु बोले तो सेतु है ना, सॉरी हाँ ठीक है, हेतु, ठीक है, हेतु की बात करता है। तो पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु, उसके बाद किसकी उदाहरण देता था, उदाहरण देता था, ठीक है, कि जहाँ जहाँ पे आग होती है वहाँ वहाँ धुआं उठता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करता है किसकी, उपनया की, मतलब एसोसिएट करता है, एसोसिएट करता है कि वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे आग लगी थी तो वहाँ धुआं उठ रहा था, यहाँ भी धुआं उठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी आग लगी हुई है ना। और लास्ट में निगमन, मतलब कंक्लूजन निकालता है। तो आंसर क्या है इसका आपका, पहला ई, फिर सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इन्फर रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। तो ये किस तरह की आपकी जो है वो फिलोसफी, सॉरी बात करता है, मतलब इन्फ्रेंस की। तो हमने इन्फ्रेंस की बात करी थी यहाँ पे, ठीक है। तो पूर्वात, शेषवात, जो इन्फ्रेंस थे अपने पास, है ना, तो समानुदर्शिता, तो ये चीज़ें अपने पास तीन चार तरह की इन्फ्रेंस थे, तो हमने ये अच्छे से वहाँ पे करे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता द टू इन्फर रेन इन द पास्ट, मतलब पहले में था, मतलब अब पहले क्या है आपके पास, इफेक्ट हो रहा है, है ना, इफेक्ट, फिर कोज, फिर पता लग रहा है। तो जो बचा हुआ चीज होती है, जो बची हुई चीज होती है, वो हम कहते हैं उसे शेषवत, शेषवत इन्फ्रेंस, शेष, बचा हुआ पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन, मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एट लीस्ट वन प्रीमाइस, बिल्कुल ठीक, मिडिल टर्म जो है वो कम से कम एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूट होने ही चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या कहता है आपका, मिडिल टर्म शुड बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन, नहीं, मिडिल टर्म तो आपका किस में आता है, प्रीमाइसिस में, दोनों प्रीमाइसिस में जो कॉमन पार्ट होता है उसे आप मिडिल टर्म कहते हैं, ठीक है। बोथ प्रीमाइस कैन बी पर्टिकुलर इन ए वैलिड फॉर्म, नहीं, एक तो आपका यूनिवर्सल कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत है। बोथ प्रीमाइस कैन बी नेगेटिव, नहीं, दोनों प्रीमाइस आपके नेगेटिव नहीं, एक प्रीमाइस यूनिवर्सल बोले तो यूनिवर्सल तो होगा होगा, प्लस में एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव नहीं है, तो वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, तो तीनों के तीनों ये जो स्टेटमेंट्स हैं गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही बिल्कुल सही है, तो ओनली बी, सॉरी ओनली ए जो है आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बोथ कैन बी फॉल्स साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी ट्रू, दोनों के दोनों इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते। अभी मैंने बताया आपको क्या कंट्राडिक्टरी हुआ था, ये क्या था, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ था, ये कंट्रेरी था, फिर ये सब कॉन्ट्रेरी था, ये दोनों ट्रू तो हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं, ये दोनों फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं, और यही तो कह रहा है, बोथ कैन बी फॉल्स साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी ट्रू, मतलब कॉन्ट्रेरी की बात कर रहा है ना, कंट्रेरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म योगाज, योगाज इंट्यूटिव पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास, तो ये आपने बात करी थी योगाज की, जब मैंने बात बताया कि शक्तिमान का एग्जांपल दिया था ना, तो वो आप क्या है मेडिटेशन करके बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, ठीक है भाई, आप अपने अपने आप को बहुत अच्छे तरह जान सकते हैं, आप टेलीपैथी तक जा सकते हैं, वो एक्चुअल में चीज़ है टेलीपैथी वाली, ठीक है। तो आप योगा करके आप जो इंट्यूटिव आपकी जो परसेप्शन से जो आप आपका जो दिमाग है वो एक ऐसे प्लेस पर चला जाता है जहाँ पे आप बहुत शांत हो जाते हैं, आप अपने आप को जान पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप बात किस चीज़ की करते हो, परसेप्शन की, ठीक है। योगाज क्या है कि पार्ट किसका है, परसेप्शन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स आर सिंसेयर इज एन एग्जांपल ऑफ विच प्रपोजिशन, देखो कुछ कह रहा है सम स्टूडेंट, अब मतलब बात कर रहा है किसकी, पर्टिकुलर की, और सम स्टूडेंट आर सिंसेयर, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोल, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये है अपने 25 क्वेश्चन, इसके बाद अभी रुक जाओ, बंद बंद नहीं करना, अभी ये मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये आज के 25 क्वेश्चन है, ठीक है, तो जितने आपके सही हुए वो जरूर बताना, और अभी टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, मुझे हद मार के शायद 5 मिनट लगेंगे, तो वो आप समझ लीजिए, ठीक है, और बताना जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं, देखो आपकी बात यहाँ पे क्या हुई थी कि कितने जो मतलब क्या हर बार पहले वाली जो टर्म है वो P1 होगी और दूसरे वाली टर्म P2 होगी, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपकी किस पे, माइनर और मेजर टर्म पे, ठीक है, माइनर और मेजर टर्म पे किसकी, कंक्लूजन की।
तो ये आपका मेजर प्रीमाइस होता है और ये आपका माइनर प्रीमाइस होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सम टाइगर आर एनिमल्स, ठीक है, सम टाइगर आर एनिमल्स, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट है, सम टाइगर आर एनिमल है। ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, ऑल एनिमल आर डेंजरस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, एक आर्ग्यूमेंट, एक स्टेटमेंट ये भी कहती है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा आपकी हमेशा हमेशा यूनिवर्सल से शुरू होने चाहिए, बोले तो हमेशा ऑल से शुरू होने चाहिए। तो आपकी जो ये प्रीमाइस है वो यहाँ जाएगी और ये प्रीमाइस यहाँ आएगी, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपका सिलोगिज्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करी थी हमने, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो पहली प्रीमाइस होगी वही आपकी क्या है, मेजर प्रीमाइस होगी, पहली बात। और दूसरा, हमेशा वो यूनिवर्सल से शुरू होनी चाहिए। अगर वो यूनिवर्सल से शुरू नहीं है तो आप इसे P1 तो कह सकते हैं, इसे आप P1 तो कह सकते हैं, लेकिन ये माइनर प्रीमाइस रहेगी। फिर ये मेजर प्रीमाइस बन जाएगी और ये माइनर, क्योंकि हम बात करते हैं कंक्लूजन की, और कंक्लूजन में पहला जो सब्जेक्ट होता है आपका वो होता है माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट होता है वो आपका मेजर टर्म, और जो प्रेडिकेट होता है मतलब अब मेजर, सीधी सी बात, माइनर टर्म माइनर प्रीमाइस में मिलेगी और मेजर टर्म मेजर प्रीमाइस में मिलेगी। तो मेजर टर्म डेंजरस, मेजर प्रीमाइस होनी चाहिए ये वाली, और माइनर प्रीमाइस होनी चाहिए ये वाली, तो ये गलत है। देखो ये जो डायग्राम है वो दोनों में सही बनेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिवर्सल लिया, ऑल से शुरू किया, ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, बिल्कुल सही बन रहा है, ऑल एनिमल आर डेंजरस। सम टाइगर्स आर एनिमल्स, सम टाइगर्स आर एनिमल्स, बिल्कुल ठीक बन रहा है, बिल्कुल ठीक बन रहा है। और ये क्या है, अब ये तो है आपका मेजर प्रीमाइस, ठीक है, और ये है आपका माइनर प्रीमाइस, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप यूनिवर्सल से शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, ये मेजर हुआ और ये माइनर हुआ। लेकिन पहले क्या था, पिछले वाले में सम से था, तो ये वाली हुई आपकी माइनर प्रीमाइस, ठीक है, ठीक है, और दूसरी वाली मेजर थी। तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, दोनों प्रीमाइस की बात करती है। अब देयरफॉर सम टाइगर्स आर डेंजरस, अब सम टाइगर्स आर डेंजरस बोले तो टाइगर जो है आपका वो क्या है, माइनर टर्म है, और माइनर टर्म हमेशा माइनर प्रीमाइस में ही आती है। तो देखो टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है इसमें, और डेंजरस मेजर टर्म है, तो मेजर टर्म हमेशा मेजर प्रीमाइस में आएगी, तो ये आ रहा है। तो आप कंक्लूजन की बात ये है कि आपका जो मेजर प्रीमाइस है या माइनर प्रीमाइस है वो डिपेंड करेगा मेजर टर्म और माइनर टर्म जो कंक्लूजन में आते हैं, ठीक है। और हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहता है कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सलिटी से शुरू होनी चाहिए आपका कोई भी प्रीमाइस है, तो वो पहले प्रीमाइस आपकी यूनिवर्सल होगी, और उसके बाद आप चाहे नो लगाओ, चाहे सम लगाओ, चाहे सम नोट लगाओ, चाहे ऑल लगाओ, वो प्रीमाइस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपकी पहली इस पर होगी ऑल पे, ठीक है। तो क्लियर है, तो शायद जिसने डाउट लिया था वो उसको क्लियर हो गया होगा, जिसको नहीं पता था इस कंसेप्ट के बारे में उन्हें भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बताना जरूर कमेंट करके कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, या नहीं है तो मैं आगे आने वाली सीरीज में भी उसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर सकूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।